हे गाइस, वेलकम टू ऑलराउंड लर्निंग। आज की वीडियो रेशो एंड प्रोपोर्शन से होने वाली है। आज हम रेशो यानी अनुपात के विषय में जानेंगे, हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और उन पर आधारित एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव टुवर्ड आवर टुडेज टॉपिक। उदाहरण से ही समझते हैं कि रेशो क्या होता है। जैसे मेरे पास उदाहरण है, ईशा का जो वेट है वो 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वेट 75 किलोग्राम है। तो प्रश्न ये है कि जो पिता का वेट है वो ईशा के वेट के कितने गुना है, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स। तो कितने गुना होगा, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 3 times, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 10 rupees और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज 2 rupees। तो अब हम ये जानेंगे कि जो पेन है उसकी कॉस्ट पेंसिल के कितने गुना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है वो है 5 times, ठीक है, 5 times जो पेन है उसकी कॉस्ट है पेंसिल के मुकाबले। सो इन अबव एग्जांपल्स वी कंपेयर टू थिंग्स और क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स एंड दिस कंपेरिजन इज नोन एज रेशो। यानी वस्तुओं या चीजों को कितने गुना के रूप में तुलना करना ही ये उसका अनुपात कहलाती है, ठीक है। और अनुपात को हम इस जो दो बिंदियां होती है इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब वही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। जैसे पिता की आयु 75 वर्ष है और पुत्री की आयु 25 वर्ष है, तो उनकी आयु में अब अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 75 हमने जैसे पहले करा था कितने गुना को निकालने के समय, ठीक है, और हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, हमारा आंसर आया था 3 times, यानी 3/1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3:1, ठीक है। तो इनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान देने योग्य है और हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम जो रेशो है वो निकालेंगे, ठीक है, कंपैरिजन होगा दो क्वांटिटीज का या टू थिंग्स का, तो उनकी जो यूनिट्स हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी इकाइयां समान होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल से इसे जानने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है, लेंथ ऑफ अ हाउस लिजर्ड इज 20 centimeters एंड लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल इज 4 meters, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिजर्ड है और एक क्रोकोडाइल है, ठीक है, इनकी हाइट्स जो लेंथ है वो दी हुई है, एक 20 centimeters और दूसरा 4 meters है, तो इनकी जो लेंथ है उनमें क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमें जो क्लियरली दिख रहा है जो इनकी यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है, एक सेंटीमीटर में है और दूसरा मीटर में है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो इनकी यूनिट्स हैं उनको सेम बनाना ज़रूरी होता है। तो हम जानते हैं कि जो 1 meter होता है वो 100 centimeters के बराबर होता है, और यहाँ से हम बता सकते हैं जो 4 meters है वो 400 centimeters के बराबर होता है। अब हम यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं जो दोनों लेंथ हैं, तो 400 centimeters बटा 20 centimeters, तो यहाँ से जो हमारा रेशो है, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20:1। अब हम जानेंगे सेम रेशो इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, अलग अलग स्थितियों में जो सेम रेशो आता है उसके विषय में। जैसे लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 meters एंड ब्रेथ इज 20 meters, देन रेशो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द रूम वुड बी कितनी हो जाएगी। तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे, यानी 30 meters अपॉन 20 meters और विच इज इक्वल टू 3:2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो देयर आर 24 girls एंड 16 boys गोइंग टू पिकनिक एंड रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 24:16। अगेन यहाँ पे जो रेशो है वो कितना आ रहा है, 3:2, ठीक है। दो डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास दी गई हैं और जो रेशो है दोनों में वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब हमें मिलती है जहाँ पे जो रेशो हैं वो सेम रहते हैं, हम इन रेशोज को इक्विवेलेंट रेशोज कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं तुल्य अनुपात। और जब भी इक्विवेलेंट रेशोज को निकालने की बात करें तो इनको कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, जो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अंश और हर होते हैं,
उनको सेम नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट रेशो यानी तुल्य अनुपात मिल जाता है। तो इक्विवेलेंट रेशो पे ही बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 14/21 इक्वल टू डैश यानी बॉक्स अपॉन 3 इक्वल टू 6 अपॉन बॉक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी जो रेशो हैं वो इक्वल दी गए हैं, तो मतलब हमें क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनको सिर्फ निकालना है, इनको एक बराबर हमारे ये नंबर तीनों होने चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन में भी दिया गया है 14/21 को हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम 7 कॉमन निकालें, ठीक है, अगर उनको 7 को काट दें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो है 2/3, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारे पास बॉक्स के साथ में जो दिया हुआ है वो भी बॉक्स बाई 3 दिया हुआ है, यानी यहाँ इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यानी रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है उसका हो जाएगा 2। अब जो नेक्स्ट है उसको कैसे हम गेन करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेशोज को मैंने बोला या तो डिवाइड करके जो गेन कर सकते हैं या तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो 6 है और जो अभी हमने निकाला वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेम डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, 6/9, यानी हमारा जो सेकेंड बॉक्स का नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये रेशो के रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे और इनके विषय में अभी हम जान चुके हैं। अगली वीडियो में हम प्रोपोर्शन के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स जानेंगे और उन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए नॉलेजफुल भी हुई होगी और आपके डाउट्स भी इसमें क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।